bonanza. Shake your body like a belly dancer. How to unban Free Fire ID. So, हाँ गाइस, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप लोग Free Fire की ID को बड़ी आसानी से अनबैन कैसे कर सकते हो। और अगर आपने आज की वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो आपकी ID अनबैन होगी कैसे? तो गाइस, आगे वीडियो में मैं आपके ना काफी सारे क्वेश्चंस जो कि आपके मन में आते हैं आईडी बैन के बारे में, उन सबका आंसर करने वाला हूं। और गाइस, क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही कमाल के हैं, मतलब कि ना उनको देखने के बाद आपको भी लगेगा ये सब क्या देखना पड़ रहा है कि हाँ यार, ये तो हमें पता ही नहीं था। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि फ्री फायर जो है ना आईडी बैन के बारे में काफी स्ट्रिक्ट है। हाँ, उसको कोई भी सबूत मिल गया कि ये बंदा गेम के अंदर झोल झाल कर रहा है तो उसके बाद का सीन आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ का दादा है तू? सो गाइस, क्योंकि वीडियो जो है बहुत टाइम बाद आ रही है तो ज्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले गाइस, एक बात और कि मैं आज से अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पर एक रिडीम कोड डाला करूंगा। तो अगर आप उसको सबसे पहले रिडीम करना चाहते हो तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर देना है, देन आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो जाके फॉलो कर लेना। और हाँ गाइस, एक मेन बात और कि अगर आपको फ्री फायर के अंदर डायमंड्स और स्किन्स चाहिए तो वो तो आते हैं पैसे से, पर पैसे कहाँ से आएंगे ये समस्या है। अरे मैं बताता हूँ ना कैसे। तुम सिंपली गूगल पर जाओ और सर्च करो www.skillclash.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर तुम गेम्स खेलकर पैसे कमा सकते हो। और यहाँ मजेदार बात ये है कि यहाँ आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करना। यहाँ आप कैरम, लूडो, क्रिकेट, पूल और एस्केप रन जैसे इंटरेस्टिंग गेम्स खेल के पैसे जीतो। यही सोच रहे हो ना कि जीते हुए पैसे कैसे निकालो? आप उन्हें सिंपली ट्रांसफर कर सकते हो अपने पेटीएम में, यूपीआई या फिर अपने अमेजोन पे में। यहाँ तक कि आप इससे डायरेक्ट रिचार्ज भी कर सकते हो। और भी तरीके हैं पैसे कमाने के। अपने दोस्तों को रेफर करो, उनके बीच टूर्नामेंट करवाओ, स्पेशल टूर्नामेंट्स में ईयरफोन, मोबाइल, लैपटॉप जैसे प्राइस जीतो। स्किल क्लैश पर अभी 1.5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं, तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है। सो गाइस, आईडी अनबैन की ट्रिक या फिर जो मेथड है वो जानने से पहले आपको आईडी बैन के बारे में जो आपके सवाल हैं उनके आंसर्स पता होना बहुत जरूरी है। और सवालों के जवाब देंगे हम। तो हाँ, पहला सवाल ये है कि मान लो कि मैंने अपने किसी फ्रेंड को अपनी आईडी दी और उसने अगर आईडी में कोई सा हैक यूज कर लिया और मेरी आईडी हो गई बैन, तो क्या मैं अपनी आईडी को अनबैन करवा सकता हूँ? क्योंकि गलती तो मेरे दोस्त की है ना। तो देखो बबुआ, ऐसा है कि हम पहले ही कह चुके हैं कि अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर ना करें, और ये हम पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं। भरोसे वाले होते हैं बेटा, भरोसे वाले को। तो सवाल नंबर 2 कि मैंने ये अकाउंट जो है किसी और से बाय किया था और उस बंदे ने पहले इस आईडी में हैक यूज कर लिया था और अब जाके मेरी आईडी बैन हो रही है, तो क्या मैं अपनी आईडी को अनबैन करवा सकता हूँ? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि अपनी आईडी का ट्रेडिंग ना करें, यानी कि अपनी आईडी को बाय या सेल ना करें। लेकिन अगर तुम फिर भी करते हो तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। लेकिन वीडियो में आगे आईडी अनबैन करने का एक मेथड बताया गया है तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना स्किप कर लेना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। So, अगला सवाल यह है कि मान लो कि हमारी आईडी बैन हो जाती है तो अगर हम उसे अनबैन करवाने के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम कर दें तो कल सुबह 7 बजे अपने बापूजी को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाना। पर मतलब फाइन, वो अपना होता ना चालान, वो वाला फाइन, जैसे कि 5-10 हजार डायमंड दे के अनबैन करवा लें? नहीं 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 हो पाएगा। पर यार देखो ना, कहीं पे थोड़े बहुत चांसेस बन रहे हों टेबल के नीचे से। ओके, सॉरी। सो अब आता है हमारा अगला सवाल कि मान लो कि अगर हमारी टीम के अंदर एक ऐसे रैंडम बंदा आया और अगर उस बंदे ने हैक यूज किया तो क्या हमारी आईडी बैन होगी? देखो बबुआ, ऐसा है कि फ्री फायर का जो सिस्टम है ना, वो क्या करता है कि ना जो बंदा हैक यूज कर रहा है वो बंदा आपकी टीम में कैसे आया है? आपने खुद बुलाया या फिर वो रैंडमली आया है? वो उसको मालूम चल जाता है। अरे वाह, गुड आइडिया। सो गाइस, अभी एक बात और कि अगर आपकी आईडी बैन नहीं हुई है और अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो आपको ना एक फायदा हो गया है कि आपकी आईडी कैसे कैसे बैन हो सकती है और कौन कौन से केसेस में आपकी आईडी के अनबैन होने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर आप एक फ्री फायर प्लेयर हो तो आपका आज की वीडियो में टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। बताया था ना स्किल क्लैश के बारे में, अभी वही गेम खेल रहा था और ये देखो जीते हुए पैसे आ भी गए फटाफट यूपीआई से। तो भाई लोग, अभी जाओ skillclash.com पर, साइन अप करो और लाखों कमाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है। सो अब बात आती है फ्री फायर की आईडी के अनबैन करने के मेथड के बारे में। तो पहली बात तो ये कि फ्री फायर ने क्लियरली कह रखा है कि अगर आपकी आईडी किसी भी कारणों से बैन होती है तो उसको वापस अनबैन करने के चांसेस बहुत कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी आईडी 99% अनबैन नहीं होगी, तब भी 1% चांसेस बचता है और वो 1% चांस ये है कि आपको फ्री फायर से कॉन्टेक्ट करना है और उनको आपकी प्रॉब्लम जो है वो बताना है। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि आप लोग फ्री फायर से कॉन्टेक्ट कैसे करोगे? तो आपको उनसे कॉन्टेक्ट करना है उनकी वेबसाइट के थ्रू, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अगर आप फ्री फायर से कॉन्टेक्ट करने को स्टेप बाय स्टेप समझना
चाहते हो तो वो मैंने आपको अपनी इस वाली वीडियो में बता दिया है कि आप लोग फ्री फायर को मैसेज कैसे भेज सकते हो। बट इस वाली वीडियो में हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और उस टॉपिक के साथ में मैंने आपको फ्री फायर से कॉन्टेक्ट करने का मेथड बता दिया था। तो आप एक बार इस वीडियो को चेकआउट कर लेना।